गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चेदी वंश और खारवेल के बारे में पढ़ेंगे। चेदी एक प्राचीन जाति थी। छठी शताब्दी ईस्वी में चेदी महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी शक्तिवती या शक्तिवती थी, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। कालांतर में इसका एक शासक कलिंग क्षेत्र में जाकर चेदी वंश की स्थापना की। उस शासक नाम था महामेघवाहन। यही वजह है कि इसका नाम महामेघवाहन वंश भी था। इस वंश के तीसरे शासक के रूप में खारवेल चेदी वंश की गद्दी पर बैठता है और वह इस क्षेत्र को उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, कई विजय अभियानों के माध्यम से, और राज्य को भी समृद्ध बनवाता है। खारवेल के संबंध में हमें हाथी गुफा अभिलेख से उसके शासन के 13 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और राज्याभिषेक के संबंध में भी हमें जानकारी मिलती है। ऐसा विदित होता है कि वह राजकुमार के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में उसने अपने ज्ञान को अर्जन किया। लेख, मुद्रा, व्यवहार विधि, अस्त्र शस्त्र चलाना और ज्ञान के तमाम क्षेत्रों में वो अपने आप को वो समृद्ध किया। 15 वर्ष की अवस्था में वह एक युवराज के रूप में पद पर स्थापित हुआ, जिसे क्राउनिंग प्रिंस भी कहते हैं। 9 वर्षों के अनुभव के पश्चात 24वें वर्ष में वह चेदी वंश का शासक बना। राजा रोहन के 13 वर्षों का उल्लेख हमें इसी हाथी गुंफाभिलेख में मिलता है। ये हाथी गुंफाभिलेख भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी गुफा में पाए गए हैं, जिसका निर्माण इसने किया था। और ये क्षेत्र है जहां पर चेदी वंश का शासन था, जिसे कलिंग कहा गया है, इसे ही उत्कल कहा गया है। तो आइए देखते हैं, हाथी गुफा के अभिलेख के आधार पर हम खारवेल के उपलब्धियों की जानकारी। सबसे पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में उसने अपने राजधानी को प्राचीरों का निर्माण किया, मरम्मत करवाया, तोरणों का भी मरम्मत करवाया, शीतल तड़ाक से यानी तालाबों से, कुओं से राजधानी को और राजधानी के लोगों को ठंडे जल का उपलब्ध करवाया। 500,000 मुद्रा खर्च करके जनता के मनोविनोद के लिए उसने साधन उपलब्ध करवाए और उनका मनोरंजन किया। द्वितीय वर्ष में एक विशाल सेना को लेकर, जिसमें पदाति, घुड़सवार, हस्ती सेना सभी थे, वह लेकर के दक्षिण की ओर मुशिक नगर की ओर गया और वेण गंगा तट पे पहुंचता है। इस वेण गंगा और मुशिक नगर को लेकर के विद्वानों के बीच में मतभेद है। रेपसन महोदय का मानना है वेण गंगा उसकी सहायक कन्नर नदी ही जो थी असली वेण गंगा थी, जबकि केपी जायसवाल का मानना है कि कृष्णा नदी और उसकी सहायक मुसी नदी वेण गंगा नदी थी, और मुसी नगर की पहचान के रूप में उन्होंने पाते हैं कि ये संगम पर स्थित था, जो कृष्णा और मुसी नगर संगम पर जो स्थान स्थित है उसी को हुआ मुसी नगर मानते हैं। इस अभियान के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सातकर्णी जैसे सातवाहन शासक की उसने उपेक्षा की, क्योंकि अगर उनके बीच में संघर्ष हुआ होता तो उसका जिक्र इसके अभिलेख में जरूर होता। तीसरे वर्ष में उसने अपने
जो लिखा नरदानी को नृत्य संगीत से के आयोजनों के द्वारा नृत्य संगीत के आयोजनों के द्वारा जनता को मनोरंजन किया। चौथे वर्ष में उसने बरार क्षेत्र में भोजकों को पराजित किया और फिर उसी वर्ष खानदेश एवं रठिकों को पराजित किया। बरार का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है और खानदेश एवं रठिकों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है कि सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका एक रठिका थी, वह अपने आप को रठिका पुत्री कहती है। पांचवें वर्ष में उसने तनसुई नहर उस तनसुई नहर को, जिसे कि नंद राजाओं ने निर्माण किया था, अपनी राजधानी तक आगे बढ़ा करके कलिंग नगरी तक उसकी पानी को ले आया। छठे वर्ष में जनता के भलाई के कार्य किया और करों को उसने माफ किया, जो नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता को था। सातवें वर्ष के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है ऐसा माना जाता है, तो इसने 100 गुणों का एक समूह बनाया और उसी वर्ष उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो उसके पत्नी ने एक सुंदर से राजकुमार के रूप में उसे प्रदान किया। आठवें वर्ष उत्तर भारत की ओर अभियान किया और गोरखगिरी यानी कि बराबर के पास गया, आदमी गया के पास और पटना के बीच में बराबर के पास पहुंच गया और रास्ते के तमाम किलों को नष्ट करता हुआ, दुर्गों को नष्ट करता हुआ तक पहुंचा। लौटते वक्त उसने काफी धन अर्जित किया। नौवें वर्ष, हाँ इसी दौरान ऐसा विदित होता है कि डेमेट्रियस यानी कि दिमीत नामक इंडो ग्रीक राजा जो यहाँ तक आ गया था, उसकी सेना को देखकर उसकी ताकत देखकर वापस मथुरा चला गया था। नौवें वर्ष उसने एक बार अपने राजधानी की ओर ध्यान दिया और उसे महाप्रसादों से निर्माण करके सुसज्जित किया। दसवें वर्ष एक बार फिर उत्तर भारत की गया और इस बार लेकिन उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ग्यारहवें वर्ष वह दक्षिण भारत की ओर गया और पिथुंड नगरी, जैसा कहा जाता है कि वह चेन्नई यानी मद्रास के पास हुआ और वहां पर तमिल राज्यों के संघ को नष्ट किया और वहां से उसे काफी धन संपत्ति प्राप्त, मुक्ता मणि के साथ वापस लौटा। पिथुंड की पहचान मसूलीपट्टनम से भी विद्वानों ने की है और एक विशेष बात है, ऐसा उसके लेख में है कि उसने पिथुंड नगरी को गधों से जुतवाया, गधों से खेती करवाया। बारहवें वर्ष वह उत्तर भारत की ओर बढ़ता है और इस बार वह गंगा में अपने हाथियों और घोड़ों को स्नान करवाता है। यहाँ का राजा संभवतः बृहस्पति या बृहस्पति मित्र था, जो मगध का सम्राट था वह अत्यंत कमजोर हो चुका था, उसने इसकी अधीनता को स्वीकार कर ली और वहां से उसने अपार संपत्ति को उपहार के रूप में वापस आया। इसके साथ ही उसने जैन संत शीतलनाथ को मूर्ति, जिसे कि नंदो ने कलिंग नगरी से ले गया था, उसे वापस ले आया और उस मूर्ति को एक मंदिर का निर्माण कर प्रतिष्ठापित किया। बारहवें वर्ष एक बार पुनः दक्षिण भारत की ओर जाता है और इस बार वो पांडे शासक मद्रास में थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से आक्रमण करता है और पांडे शासक को पराजित कर काफी मात्रा में हाथी घोड़े रथ और चल और तमाम हीरे जवाहरात मोतियों के साथ काफी संपत्ति लेकर आता है। तेरहवें वर्ष वो धार्मिक कार्यों में बिताता है और उदयगिरी गुफाओं में और खंडगिरी की गुफाओं में उसने गुफा का निर्माण करवाता है और यह गुफा जैन संतों को समर्पित कर देता है। ये इसके बाहरी जो हॉल बने हुए स्तंभों पर टिके हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह एक महान विजेता था, एक विद्वान व्यक्ति था, लोगों को उपकारी कार्य किए, जनता की भलाई के कार्य किए, जनता के मनोरंजन के कार्य किए और चेरी वंश के गौरव को प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसके काल में चेरी वंश क्षेत्र के रूप में क्षेत्र